हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना विजय ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना वीडियो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मुझे जाना है थोड़ा मार्केट बच्चों के लिए कपड़ा लेने। हम कहीं जाने वाले हैं शादी में, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। तो अभी जा रहे हैं बच्चों को कपड़े लेने। और हम कहाँ जा रहे हो मैं बाद में आपको बताऊंगी। और मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। यहाँ गुजराती फैमिली की शादी है तो मैं दिखाऊंगी आपको कि गुजराती लोगों में कैसी शादी होती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो अभी ये लोग देखो, हम लोग कपड़े अभी फोल्ड कर, मैं दिखाती हूँ उन लोग को। ये देखो, ये सब छुपे हुए हैं इसमें। ये कपड़े फोल्ड कर रही है और मैं भी कपड़े ही फोल्ड कर रही थी, क्योंकि कहीं जाना रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि घर का सारा काम कर लूँ फिर जाऊँ, कि आके फिर काम करने का मन नहीं होता है। तो अभी मैं चलती हूँ, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो हम लोग बहुत देर से रेडी होके बैठे हुए थे, उसके पापा आए नहीं थे तो अभी आ गए हैं। तो चलते हैं, हम लोग लॉक मारना है फिर चलते हैं। ये देखो मोबाइल में ही लगी रहती है, देखो मोबाइल चला रही है। हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं नीचे और मेरे दोनों बच्चे चले गए। मेरा सर बहुत दुख रहा है, सच्ची करो तो इधर मेरी गाड़ी खड़ी है, अभी हम लोग बैठते हैं फिर जाते हैं। मारो एक दोस्त यार है तो एक की दुखी पापा से सुनता है नहीं, जरूरत छे मने मैं तो जो आप भाई ने सजेशन नहीं जरूरत होए पाछो पीठ पछड़ तो આવી રીતે વાતો કરે પછી। तो हम आए इस शॉपिंग में। ओ कितना मस्त है सर, उन्होंने ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ना, नीचे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी खरीदी हो चुकी थी, बच्चों के लिए मैंने कपड़े ले लिए और लेके फिर यहाँ पे भी बिल पे कर रहे थे और वहीं से मैं बैठ गई सोफे पे और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। इधर से उतरना मुझे पॉपकॉर्न की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं और मैं शाम को अपने वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भूख लग चुकी थी हम लोग को। घर पे आई फटाफट, मैंने खाना बनाया, सब्जी बना के गई थी, रोटियां बनाई और फटाफट हमने खाना खाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं फिर जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको एक शादी में जाना है तो उसके लिए कपड़े लिए, तो अभी इनके लिए शूज लेना है और भी कपड़े लेना है। और मैंने अपना ब्लाउज स्टिच करने के लिए, इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं अपना ब्लाउज स्टिच करने के लिए दी थी तो वो भी लेने जाऊंगी। बहुत सारा काम है मुझे। तो अभी मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। देख रहा है कैसा है। अभी मैं मार्केट से आ गई, ऐसी किस्मत थी हमारी आज की, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे बेटे को सूज लेना था, मुझे चूड़ियाँ लेनी थी, कुछ भी नहीं मिला। आज मेरी एकदम मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने, अभी जस्ट घर में आई, अभी पर्स अभी उतार रही हूँ और अभी मैं अपनी बेटी को लेने जाऊँगी।
क्योंकि उसका भी स्कूल का टाइम हो गया है छुट्टी होने का, तो अभी मैं वहाँ जाती हूँ, उसको लेके आती हूँ। और मेरे बेटा का तो मूड एकदम खराब है, एकदम गुस्सा कर रहा है कि पापा होते तो ले लेते। मुझे क्या है, लड़कियों का सामान मुझे समझ में आता है, लड़कों का नहीं आता है। तो मैं बोली कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पापा आएंगे तो लेंगे, तो उस पर उसको बहुत गुस्सा आ गई। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था वैसे तो फिर मैं अभी चलती हूँ अपनी बेटी को लेने, लेके आती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर ये उसी दिन शाम का वीडियो है, और मैं और मेरी बड़ी बेटी हम लोग शाम को निकल गए करीब 8 बजे रात को मार्केट में, क्योंकि मेरी बेटी को नोज पिन लेना था। वो अपना नोज पिन या तो तोड़ देती है या तो खोआ देती है, और बार बार उसको लेना पड़ता है। तो हमको जाना था शादी में, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसका फेस बिना नोज पिन का। तो फिर हम लोग गए और रात को 8 बजे, और उसके लिए मैंने लिया नोज पिन जो उसको मैंने पहना दिया। वहीं अभी मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से आ गई हूँ, और मैं अपने बेटे के लिए क्या लेके आई हूँ देखो, मैं अपने बेटे के लिए पतंग लेके आई हूँ। इस सुबह से चिल्ला रहा था मम्मी पतंग ले लो पतंग ले लो, तो अभी मैं ले ली। खुश हो गया बाबू? हाँ, अरे खाना खा रहा है, ये सब मूवी देख रहे हैं 12th Fail। और मैं खाना बना के गई थी क्योंकि इन दोनों को बहुत भूख लग जाती, तो 8:30 बजने वाले हैं, तो मैं खाना बना के मैं दिखाती हूँ क्या बनाई हूँ। ये है मटर और आलू का घुघरी। किस किस को पसंद है? यूपी बिहार वालों को बहुत पसंद आता है मटर की घुघरी। और ये रोटी, अभी चलती हूँ मैं, और रोटियाँ बनानी है, गर्मा गर्म बनाते हैं और खाते हैं। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। और आपको किस तरह की वीडियो देखना वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।